हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं फरीन और आज हम होममेड इडली का बैटर बनाने जा रहे हैं। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पर 3 कटोरी चावल और 1 कटोरी सफ़ेद उड़द की दाल ली है और इसमें मैंने 1/4 चम्मच यहाँ पर मेथी के दाने भी डाल दिए हैं। दाल और चावल को हमने रात भर भिगो कर रख दिया था और दूसरे दिन सुबह अब हम इसे पानी इसका पूरा निथार लेंगे और इसे मिक्सी में हमें पीस लेना है। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी पोहा भी भिगो कर रख दिया है और इसका भी पानी निथार कर हम इसे पोहा को भी हम चावल के साथ पीस लेंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो एक बर्तन में देखिए हम ये पीसा हुआ बैटर निकाल लेंगे इस तरह से और बाकी हुआ बैटर भी हम पोहा डालकर दाल चावल के साथ इस तरह से पीस लेंगे। पोहा डालने से इडली बहुत ही सॉफ्ट बनती है और अच्छी बनती है। तो देखिए इस तरह से हमने सारा बैटर पीस लिया है और अब इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे 2 से 3 घंटे के लिए अब हमें ढककर रख देना है ताकि इसे अच्छे से खमीर आ जाए। तो देखिए अब हमने इसे ढककर रख दिया है और 2 से 3 घंटे बाद देखिए ये हमारा इडली का बैटर बिल्कुल रेडी है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव इज़।